अभी अभी जुनैरा का फोन आया, उसी ने बताया। खामखा बैठे बिठाए एक नया मसला खड़ा कर दिया है तुमने बेटा। मुझे ये बताओ आखिर तुम्हारा मकसद क्या था ये सब कुछ करने का? तुमने ये भी ना सोचा कि तुम्हारी बहन के आगे कितने मसाइल पैदा होंगे? मैंने आप लोगों की सब बातें मानी, आप लोगों का किया हुआ हर फैसला कबूल किया, और आज जब मैंने अपनी जमीर की सुनी तो आप लोग सब नाराज ही हो गए। इस बात का क्या मतलब है? अबू मैं हर रिश्ता ईमानदारी से निभाना चाहता हूं। कल को अगर निदा को पता चलता कि मेरे दिल में कोई और है तो मुझसे ये ना कहती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बस यही सोचकर बताया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सच्चाई का ये अंजाम होगा। ये क्या तरीका है? जैन को हमारे घर आके बात करने की क्या जरूरत थी? अम्मी का गुस्सा देखा तुमने? और निदा, उसका तो रो रो के बुरा हाल हुआ है। इसको कोई शर्म कोई लिहाज नहीं है? और तुम्हारा तो भाई है, तुम तो समझा सकती थी। अफान, मुझे नहीं पता था वो ये सब कहने आ रहा है। आग लगाकर गया वो, आग, और इसका नतीजा तुम खुद देख लेना। अगर देखा जाए तो उसने कोई बुरी बात नहीं की, सच ही तो बोल कर गया है। सच? ये कैसा कड़वा सच है जो इतने लोगों की जिंदगी में जहर घोल गया है? मुझे मालूम होता ना तो जरूर मना करती, और वैसे भी इतनी बड़ी बात है नहीं जितना बढ़ाया जा रहा है। बड़ी बात तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या आप शादी से पहले किसी को पसंद नहीं करते थे? मैं भी तो जानती हूँ ना सबको, फिर भी आपके साथ घर बसाया। कभी कोई पिछली बात नहीं की, कभी कोई ताना दिया। जब दो लोग मियां बीवी के रिश्ते में बन जाते हैं तो पिछली सारी बातें माजी बन जाती, और कोई भी माजी को कुरेदना पसंद नहीं करता। सब हाल और मुस्तकबिल को देखते हैं। आप भी प्लीज सेंसिबल बनकर ही मसले को हैंडल करें ना।